डॉक्यूमेंट्री आप सब आ सकते हो, ये हमारे भाई लोग हैं। पढ़ता ही नहीं था सर, तो आपकी बहुत याद आएगी। दिस माई ब्रदर, ही वॉज विद मी इन सेंट जोसेफ एज वेल। आई नो पुरानी बरादरी है, मेमोरीज पुरानी। ये सबसे एक साथ 8 साल हो गए मेरे उनके साथ। हाय अफसोस, वरिया फेर आपकी बहुत याद आएगी भाई। जाएगा लॉ करने दे। और ये मीफा रैपर है हमारे, जदो मैं होया बॉम। फिर ये हो गए भाई हमारे, आपका क्या नाम है? तौकीर नसीर भाई, इनको अलमंजर बोलते हैं और हम इनका प्यार से कॉल भी कराते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर हमारे मुंतजर भाई, इनकी उंगली भी काट गई फैन तोड़ते तोड़ते। ये बसीत भाई है, ये मेरे सेवन है। पहले इतनी गालियां देते थे, फिर इन्हें बहुत शरीफ हो गए थे, लेकिन माशाल्लाह बंदा बहुत सही है। तौकीर भाई, नसीर भाई, इनके हम गुरमा रिश्ते रोज खाते हैं, बहुत अच्छे बंदे। तो अभी हम सरोज अच्छे ब्लॉगर हैं, हम सरोज से बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। हमारे स्कूल में एक ब्लॉगर है जिसका नाम है इट सरोज, और और इसके I worked hard on who? और बहुत सारी दुआएं करें आप इस बंदे के लिए। थैंक यू, इसको नीट निकालना है, जीएमसी डोडा तो मिलना ही चाहिए बेचारे को। This will be the last time we'll see the buses exiting the ground. The last time we'll play in this ground. The last time we'll roam in this school. The last time we'll see the kids in this school. The last time we'll be in the uniform of this school. This is the last time. So guys, this is the reality of every school. You have to leave it one day. Agar fail nahi hue to fail hona exception hai. And I hope guys this won't be the last time I am seeing this gate. Umeed karta hu aate rahe aur ye sab dost log wo bhai lagta hai. Kya bhai hai, tu kahan ja raha hai? Bhai log rona nahi chahiye, aisa hota rehta hai. Bhai main nahi rona, main khush hu. Chale chale. So school, ye sun ke aapke dimag mein kya aata hai? Yahi na dost, कैद खाना, सबकी डिफरेंट डिफरेंट थिंकिंग होती है। लेकिन जो स्कूल है, कैसे मैं डिफाइन करूं? स्कूल लाइफ एक ऐसी चीज, जब आप इसमें होते हैं आप इसको रोज कोसते हैं, लेकिन जब ये आपकी लाइफ से चला जाता है तो आपको हर दिन इसकी याद आती है। टीचर की डांट, वो होमवर्क ना करने की मार, सब याद आता है। वो दोस्तों के साथ खेलना, दूसरों का लंच शेयर करना, सब याद आता है। फुटबॉल मैच की हार और बंक पे पड़ी हुई मार, सब याद आता है। Guys, welcome to this new video. बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि my school life is over. जब हम स्कूल में थे कोई स्कूल आना ही नहीं चाहता था। अब जब हम स्कूल से निकल गए सब स्कूल आना चाहते हैं, क्योंकि यही एक जगह है जहाँ पे हम सब दोस्त मिला करते थे, अपनी यादें बांटा करते थे, अपने फ्यूचर के प्लान्स शेयर किया करते थे। अब वी हैव नो प्लेस, सब अपने अपने जिंदगी के साथ चले गए। कुछ कोई वीडियो बोरिंग लगेगा, कुछ मेरे साथ रिलेट कर पाएंगे। मेरी मैक्सिमम ऑडियंस है वो 18 अबव है, सो दे विल बी एबल टू रिलेट विद मी। स्कूल लाइफ ख़त्म, हर एक चीज़ याद आती है स्कूल लाइफ ख़त्म होने के बाद। स्कूल लाइफ के दौरान हम हर एक चीज़ को स्कूल की कोसते हैं, लेकिन वही चीज़ें बाद में याद आती हैं। तो अगर आप अभी भी स्कूल में हैं, प्लीज़ इन्जॉय योर स्कूल लाइफ। ये थोड़ा ऑकवर्ड होगा क्योंकि हम भी बोलते थे क्या स्कूल लाइफ, लेकिन अब समझ आता है। जब हम ख़त्म कर चुके हैं तो अब समझ में आता है कि नहीं, लिटरली इट मीन्स अ लॉट। ऐसा लगता है कि जिंदगी का मेजर जो हिस्सा है वो हमसे छीना गया है, अब हमारी ज़िंदगी आधी अधूरी रह चुकी है। तो वीडियो स्टार्ट करते ही ये जो इंट्रोडक्शन था, ये एक इंट्रोडक्शन नहीं था, मेरी दिल की फीलिंग्स थी जो मैंने आप तक जाहिर की। अब मैं आपको छोटा सा टूर देता हूँ हमारे स्कूल का। जो हमारी लाइफ में नहीं रहा तो क्या हुआ, इसकी यादें ज़रूर रहेंगी हमारे साथ। ये वीडियो एज ए मीडियम में ले रहा हूँ कि अगर हम कहीं पे भी चले जाए ये वीडियो मेरे पास रहेगा, और अगर मुझे कभी भी याद आए स्कूल की मैं ये वीडियो देख लूँगा। तो चलिए हमारे साथ, हम आपको पूरा टूर देते हैं अपने स्कूल का। दून इंटरनेशनल स्कूल, जी हाँ, तो कुछ ऐसा है हमारा स्कूल। वो रही हमारी एंट्रेंस, दिस इज़ द मेन बिल्डिंग। इसके पीछे वाली बिल्डिंग है वो किंडरगार्टन है, दैट्स द हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट। ये मिडिल ब्लॉक है हाई स्कूल तक, यानी कि 10th तक। ये रहा हमारा प्लेग्राउंड जिसमें हम मैचेस खेला करते थे, लेकिन अब ये सब यादें बन के रह जाएंगी। होता है लाइफ में, अब सब कॉलेज ज्वाइन करेंगे, जितने भी दोस्त थे वो हर एक डिफरेंट कॉलेज में जाएंगे। दैट्स लाइफ फॉर यू, इट्स अ हार्श रियलिटी विच यू हैव टू एक्सेप्ट। तो ये है वो हॉलवे जिसमें हमने लड़ाई भी की है और अपने दिन भी गुजारे हैं। हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट, क्लास 11th, वी आर इन क्लास 12th, और वी वर
अभी हमें एग्जाम के लिए टाइम दिया है, अब अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है। इस वीडियो के बाद में भी मैं अंडरग्राउंड भी क्यों ना हो जाऊं, अंडरग्राउंड से मेरा मतलब है पढ़ाई की तरफ ध्यान। तो यस, दिस इज आवर क्लास। और सैडली किसी ने फैन तोड़ा है, आई डोंट नो, मुझे क्या पता, तोड़ा होगा किसी ने, हु नोस। इस व्यू में पढ़ना सब याद आएगा। तो ये है, जैसा कि आपको पता है, हमारी क्लास का जो दरवाजे के बाहर लगता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, ये भी तोड़ दिया है। सब कुछ तोड़ा है, क्योंकि लास्ट दिन था। मैं भी शायद बच्चे ज्यादा उत्सुक हो गए, उतावले हो गए। शुक्र है कैमरा छोड़ा है, वरना कैमरा भी अगर कोई ले गया होता। ये बायोलॉजी लैब जिसमें हम खेला करते थे, पढ़ाई से ज्यादा हमने खेला है इसमें। ये स्केलेटन जो हमें पहली बार मिला था और हम खुश हो गए थे, इससे भी बहुत खेला है, ये भी याद आएगा। आई मिस यू बड़ी, आई मिस यू, बाय बाय बड़ी, आई मिस यू। माइक्रोस्कोप से देखी हुई स्लाइड्स, दोस्तों के साथ लड़ाई करना कि नहीं, माइक्रोस्कोप से पहले मैं देखूंगा। आई मिस इट ऑल, बाय बाय स्केली, बाय बाय। ये चार क्लासेस, 1, 2, 3, 4, इन चार क्लासेस से हमारी यादें सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों, जब मैंने 2015 में पहली बार स्कूल ज्वाइन किया था, ये थी हमारी फिफ्थ क्लास, पहली बार मैं यहाँ आया था पढ़ने के लिए, पहली बार 2015 में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। अब तो ये बहुत बदल चुका है, बट 2015 में ये हमारा फिफ्थ होता था और हमारी ये पहली क्लास होती थी। दिस वॉज आर फर्स्ट क्लास। प्रोजेक्टर तब का लगा हुआ है, वो तोड़ दिया है सब कुछ, हमने संभाल के रखा था इस सब को, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास थी यार, नॉट ए जोक। अक्टूबर की बात है, तो वो बंकिंग द क्लासेस, हमने दो क्लासेस बंक करने लगातार, होता है ये सब करते हैं बंक हैश करने में। दो क्लासेस बंक करने के बाद हमें यहाँ पता चला कि ड्यूड वी हैव ए कैमरा, और दे वर वॉचिंग अस, जानबूझ के देख रहे थे, हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा था और हम देख रहे थे। तो दो क्लासेस बंक करने के बाद जब हम नीचे गए और जो हमें बुला के जो हमारे साथ हालत हुई है, उसके बाद बंक नहीं किया, वो मेरा पहला और आखिरी बंक था। कश्मीर में ड्रोन्स बैन है तो क्या हुआ, विल स्टिल गिव यू द एरियल व्यू। हाय हाय, ये जगह मैं कैसे भूल सकता हूँ, द स्टाफ रूम। कितनी बार यहाँ पनिशमेंट में रखा होगा हमें साइड पे, इधर पे मैं रहता था खड़ा, दो तीन क्लास पनिशमेंट मिलती थी स्टाफ रूम में खड़ा। एम्बेरसिंग होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमेज अच्छी थी, कभी फंस गए किसी मसले वसले में, कुछ किया फितना वितना। तो गाइस, जो सबसे बड़ा स्कैम हमारे साथ हुआ है, स्कैम 1992 से भी बड़ा स्कैम जो हमारे साथ हुआ है, उसका दुख मुझे कभी नहीं जाएगा। सो जब हमने दून ज्वाइन किया था, यहाँ की एक स्पेशल चीज़ थी जिसने मुझे दून ज्वाइन कराया था एज अ किड, इट वॉज रियली अट्रैक्टिव। तो वो क्या था, जो यहाँ पे सीनियर क्लासेस थी, इनको बुक्स नहीं थी, इनको टैब था। तो उस जमाने में 2015-16 में टैब से पढ़ना, इट वॉज समथिंग डिफरेंट। यस, इट वॉज समथिंग डिफरेंट, टोटली नो बुक्स, यू ओनली हैव टू स्टेंसिल एंड अ टैब। तो वो जो चीज़ थी, इट वॉज रियली समथिंग दैट वी क्रेव्ड फॉर, इट वॉज रियली न्यू, आई कॉन्ट एक्सप्लेन द फीलिंग कि कितना एक्साइटेड थे हम सब। आप सोचेंगे कि टैब से पढ़ना, बच्चे तो खराब हो जाएंगे, लेकिन जो टैब है उसका एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट रखा गया था, यानी कि वो एक नॉर्मल एंड्रॉइड टैबलेट नहीं था, उसका एक रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट था। एक स्पेशल सॉफ्टवेयर डाला था जिससे सिर्फ स्टडी मटेरियल वाले जो एप्स होते हैं, जो उन्हें प्री लोडेड एप्स रखे हैं, सिर्फ वही चलेंगे और उसमें कुछ भी नहीं चलेंगे। लेकिन बच्चे जो हमारे सीनियर्स थे, दे क्रैक्ड इट, यस, उन्होंने वो जो लॉक था वो हटा दिया। सो इट वॉज कम्प्लीटली एन एंड्रॉइड टैबलेट नाउ, वो टीचर्स को पता भी नहीं था। जो स्कैम हमारे साथ हुआ, हमने फिफ्थ में ज्वाइन किया, सेवन्थ तक था। जब हमने फिफ्थ में ज्वाइन किया, दिस स्कूल वॉज अप टू सेवन्थ, तो जब हमने फिफ्थ में ज्वाइन किया, सिक्स टू सेवन्थ को टैब्स थे। बहुत ही ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के, मेहनत करके हम सिक्स में आ गए, सेवन्थ और एट्थ को टैब्स मिले। बोला हमने डिसाइड किए, चलो कोई नहीं, वी एक्सेप्टेड इट। हम सेवन्थ में चढ़े, एट्थ और नाइन्थ को टैब्स मिले।
हमने उनसे बहुत ज्यादा लड़ाई की, ये क्या है, इट्स नॉट फेयर. लेकिन उनने बोला जो बच्चे हैं, उनने वो जो प्री डिफाइंड सॉफ्टवेयर था या प्री लोडेड सॉफ्टवेयर था उसको क्रैक कर लिया है और हम ढूंढ रहे हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्रैक ना हो पाए. तो उस उम्मीद के साथ हमने अपना सेवन्थ भी पास करके हम एट्थ में आ गए. और एट्थ में लिटरली एट्थ में नाइन्थ और टेंथ को जो टैब मिलना था, टैब वॉज कैंसल्ड आउट, पूरी तरीके से टैब हट गया और हम टूट चुके थे लिटरली, जिसको बोलते हैं टूटना. वी वर कम्प्लीटली ब्रोकन. जो हमारी एक ड्रीम था हमारा, वो टैब लेना, उसमें पढ़ना, इट वॉज अ ड्रीम, चाइल्डहुड ड्रीम था हमारे लिए. बच्चों को आप क्या बोलोगे. सो इट वॉज अ ड्रीम, वो सब टूट गया था. और ब्रोकन हार्टेडली हमने एट दिया. नाइन्थ में तो आधा नाइन देने के बाद आर्टिकल स्क्रैपिंग हुई, आफ्टर दैट कोविड. और फाइनली ये जो ट्वेल्थ का हमें टाइम मिला आने का, ये एंड कैसे हुआ कुछ भी पता नहीं. और हमारी जो स्कूल लाइफ है, इट्स ओवर नाउ सैडली. तो गाइस, जो दूसरा स्कैम था हमारे साथ, ये जो आप देख रहे हैं, ये पहले से पार्किंग नहीं हुआ करती थी. इट वाज अ बास्केटबॉल अरीना और फुटसॉल अरीना, लेकिन इसको पार्किंग में कन्वर्ट कर दिया गया. और क्यों किया गया, क्योंकि जो पार्किंग थी उसकी जगह पे नई बिल्डिंग बन गई. तो इतनी सारी बसेस को पार्क करने के लिए कोई तो जगह चाहिए थी. और सपने बच्चों को कौन देखता है यार, छोड़ो सब कुछ यार, हमें हमारा बास्केटबॉल फुटसॉल सब बंद करा के यहाँ पर पार्किंग बना दी गई. दिस इज़ द फ्रंट फेस ऑफ आवर स्कूल, मेन बिल्डिंग ऑफ आवर स्कूल. जैसा भी था यार, लेकिन अपना स्कूल था. आई एम गोना मिस इट. छोड़ो यार, अब कितना इमोशनल हो जाऊँ मैं. सोचा था जाते जाते प्रिंसिपल सर से बात करेंगे, बट सैडली वो आए नहीं हैं. और सीन कुछ ऐसा है, घर जाने के बाद अब एग्ज़ाम के लिए सिर्फ हमें 2 महीने बच चुके हैं. अब लिटरली अंडरग्राउंड होने का समय आ चुका है. तो अगर मैं कुछ टाइम के लिए ऑफलाइन भी रहा, आप उम्मीद नहीं खोना बिल्कुल भी. जब हम वापस आएंगे धमाकेदार कंटेंट के साथ, हम अपनी वापसी कम बैक करेंगे. उसकी टेंशन आप बिल्कुल भी नहीं लेना. प्लीज़ चैनल छोड़ के नहीं जाना. वो है हमारे वॉचमैन मिस्टर निसार अहमद. तो इनके साथ हमें पेन भी लगी है बहुत बहुत, लेकिन क्या करें, इनकी जॉब थी, इट वॉज़ ए जॉब. कभी हमें बाहर नहीं निकलने दिया. सर सर, अगर ज़िंदगी रही मुलाकात हो. तो गाइज, हमारी सिग्नेचर एग्जिट, हम आ गए वापस घर. व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.